नाम मोहम्मद लैकुर रहमान हुआ और मैं पटना से आया हूँ। और मेरा जो कंप्रेशन हो रहा है वो L5S1 डिस्क जो है कंप्रेस हो रहा था, तो वो शुरू में तो मुझे बैक पेन हो रहा था, तो उसका जब मैंने MRI कराया तो वो मेरा निकला कि L5S1 का मेरा कंप्रेशन है। उसके बाद फिर से कुछ दिनों के बाद से फिर पैर में बहुत दर्द होने लगा, और अब ये है कि पूरा पैर भी थोड़ा सुन टाइप का हो रहा है, जिस कारण से हम यहाँ सर्जरी के लिए आए हैं। और इस सर्जरी के बारे में तो बहुत घबराहट है कि कैसा है नहीं है, बट अब इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। देखिए, ये एक ह्यूमन बॉडी का स्पाइन का मॉडल है। ये हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी हड्डियां हैं, इन सबको हम वर्टिब्रा कहते हैं। दो वर्टिब्रा, दो हड्डियों के बीच में एक ही डिस्क होती है, जो कि आप ये इस तरह से देख सकते हैं। ये डिस्क एक गद्दे की तरह होती है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो है इस डिस्क के ज़रा सा पीछे ही ये पीले रंग में हमारी नसें हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल के लेग्स की तरफ जाती हैं। अगर ये डिस्क थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाए तो इस नस को दबा देंगी, जो कि एक चारों तरफ से घिरे हुए एक स्पेस से निकलती है, जिसको हम फोरामेन कहते हैं। ये एक बहुत ही टाइट जगह रहती है, इसमें थोड़े से भी दबाव से नस दबाव में आ सकती है और हमारे पैर में दर्द हो सकता है, जिसको हम शियाटिका कहते हैं। रहमान जी के केस में यही जो चीज़ है L5S1 पे, जो हमारी सबसे निचली डिस्क होती है, उस पर हुआ है और ये लेफ्ट साइड में हुआ है। तो यहाँ पे कहीं वो डिस्क निकला है और इस नस को दबा रहा है, जिसकी वजह से उनके पैर में नमनेस जा रही है। अब हम रहमान जी का MRI देखते हैं। इस MRI में हम उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको साइड से देख रहे हैं। ये सब वर्टिब्राज हैं, इन दो वर्टिब्राज के बीच में ये डिस्क है। ये डिस्क के पीछे वो जगह होती है जहाँ से हमारी नसें स्पाइनल कॉर्ड से नीचे आती हैं और फिर बाहर निकल आती हैं। आप देखेंगे कि इन डिस्क पे ये पीछे की तरफ कोई दबाव नहीं डाल रही है। ये सफ़ेद एक पानी होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर दबाव होता है तो ये पानी सबसे पहले गायब हो जाता है और वहाँ पर वो नसों पर दबाव होता है। यही आप देखेंगे इस L5S1 के डिस्क पे, कि ये जो डिस्क है ये बाहर आती नज़र आ रही है और डिस्क का एक हिस्सा नीचे की तरफ आ गया है, जो कि S1 के पीछे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो नस आ रही होगी वो यहाँ से खींच के ऊपर से बाहर निकल रही होगी, जिसकी वजह से इस तरह का पैर में दर्द आना पॉसिबल है। ये काफ़ी बड़ी डिस्क है, क्योंकि पीछे भी S1 की हड्डी है, तो यहाँ पे जगह बिल्कुल नैरो हो गई है, और इस तरह का डिस्क का होना पैरों में ज़्यादा दर्द देता है और कमज़ोरी ला सकता है, जैसा कि रहमान जी के केस में है। हमें इसको निकालना होगा, हम पीछे से जाएंगे और थोड़ा सा हड्डी में छेद बनाते हुए इस डिस्क को निकालेंगे। ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसे ही घबराने वाली कोई बात नहीं होती। आदमी बहुत घबरा जाता है कि ऑपरेशन से कुछ परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ऑपरेशन के बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, अभी थोड़ा मूवमेंट भी हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं कि आदमी घबरा जाए इससे। बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया और बहुत अच्छा रहा मेरा अभी तक। तो हमने रहमान जी का ऑपरेशन किया। मैं इस मॉडल पे आपको दिखाना चाहूँगा कि हम कैसे करते हैं ये ऑपरेशन। एक छोटे से चीरे में, जितने की करीबन एक उंगली अंदर जा सके, एक इतना चीरा होता है स्किन में। उसके बाद हम ट्यूब डालते हैं, जिससे हम इस हिस्से को देख पाते हैं। आप देखेंगे मैंने इस मॉडल पे एक काले रंग से ये एक निशान लगा रखा है। हम इतना हिस्सा बोन का निकालते हैं, जिसको हम लेमिनॉटमी कहते हैं। तो एक तरह का छेद हो जाता है, एक विंडो हो जाता है, जिससे हम नीचे की नस को देख पाते हैं। रहमान जी में हमने थोड़ा सा ये नीचे S1 का भी एक हल्का सा बोन का पीस निकाला, ताकि हम अच्छे से देख पाए, क्योंकि ये नस बहुत ज़्यादा दबाव पे थी और अगर हम ऐसा ना करते तो उसको डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो हमने इतना ये बोन को ड्रिल किया। उसके बाद हम नस को थोड़ा सा हल्का सा साइड करके जो डिस्क हर्निया होता है, जो बाहर आ जाता है, उसको हम आसानी से निकाल पाते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम नॉर्मल टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करते हैं,
तो ऑपरेशन के बाद में रिकवरी काफ़ी अच्छी रहती है, ऑपरेशन के बाद में दर्द कम रहता है, मरीज़ जल्दी चलने लग सकते हैं, जल्दी अपने काम पे जा सकते हैं। इस तरह के ऑपरेशन आजकल बहुत कॉमनली होने लगे हैं, बहुत सारी जगह होने लगे हैं और काफ़ी सेफ़ है। हम इस तरह की सर्जरीज़ को मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, की होल स्पाइन सर्जरी, माइक्रो डिसेक्टमी, बहुत सारे नामों से इस तरह के ऑपरेशन को जाना जाता है। कल मेरा ऑपरेशन हुआ था और देखिए कल ऑपरेशन हुआ, आज हम को डिस्चार्ज मिल रहा है और डॉक्टर साहब ने जो ऑपरेशन किया वो ज़्यादा ऑपरेशन बड़ा नहीं था, वो बहुत हल्का सा कट था। और उसके बाद फिर कल हमने ऑपरेशन के बाद चल के भी देखा और आराम से एक घंटे बाद ही चलना शुरू कर दिया और आज मेरा डिस्चार्ज भी हो रहा है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि जो प्रॉब्लम था तो वो पहले से कम हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर वो ठीक हो जाएगा, आगे जाके वो थोड़ा फिजियोथेरेपी करना होगा, वो आगे सब ठीक रहेगा। पहले से डर था कि स्पाइनल ऑपरेशन के बारे में बहुत तरह का मिथ्या है लोगों में कि आप स्पाइनल का ऑपरेशन से बहुत परेशानी हो जाती है, आगे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जिस तरह की बात यहाँ डॉक्टर नारायण ने कहा उसे समझिए कि आगे मिथ्या दूर हो गई। फिर जब ऑपरेशन के लिए ले गए और ऑपरेशन के बाद जिस तरह आए हुए लगाई ने कि इनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के समझिए कि 1.5 से 2 घंटा के बाद उन्होंने खड़ा करके चला दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो प्रॉब्लम है मेरे भाई को, चूँकि थोड़ा सा सुनापन जो है चूँकि वो शुरू हो गया है, तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि उसकी सुनापन वो फिजियोथेरेपी से कुछ दवा से धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन जो प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा था वो अब भगवान की कृपा से, और डॉक्टर साहब भी एक भगवान का रूप है, उनकी कृपा से ये प्रॉब्लम अब रुक गया और ऑपरेशन में इनको कहीं परेशानी नहीं हुई है। देखिए आज हम यहाँ डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमने सही जगह पर और सही वक्त पर इनका इलाज कराया ताकि इनका आगे की जो परेशानी है वो ठीक हो गई है। और आगे हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी अच्छा सब कुछ रहेगा और लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर स्पाइनल की प्रॉब्लम है, इस तरह की दिक्कत है, तो उसके लिए घबराए नहीं। आज बहुत सारी नई तकनीक आ गई है जिससे कि अब इलाज में वो पहले वाली बात नहीं है, ये डरना नहीं चाहिए। इलाज को वक्त पर कराइए, वक्त पर नहीं करने के बाद परेशानी बढ़ जाती है। अगर मैं भी अगर नहीं करा था भाई का अपना इलाज वक्त पर तो शायद धीरे धीरे पैर काम करना बंद कर देता तो फिर ऑपरेशन तो उस वक्त ऑपरेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आज बहुत बड़ा ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमने वक्त पर सही डिसीजन लिया और मेरा भाई आज अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे जो भी परेशानी बची हुई है उसे ठीक हो जाए।